अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद अजीम। थोड़े दिन पहले जो है HYC के ऊपर जो सवाल किया था, उसी सिलसिले में मेरे को और एक सवाल करना है। इन लोगों जो है करोड़ ऑफ रुपीज ले लेके जो हैदराबाद से जाके हमारी टीम घर घर जाके राशन बांट रही, बोल के जो चार फोटो ना ले लोग सब। आपकी टीम घर घर जाके अगर राशन बांट रही तो राशन तो आप लोग हाथ में उठा के नहीं लेके गए ना? 100 जनों को बुला के 50-60 पैकेट, 100-200 पैकेट तो नहीं लेके गए आप। एक ट्रॉली में लेके होंगे, कुछ ट्रांसपोर्ट करे होंगे। वो ट्रांसपोर्ट की वीडियो डाल दिए तो क्लैरिटी मिलती है ना सब। आप लोग वहाँ जाए क्लैरिटी से वो काम नहीं कर रहे। आप लोग वहाँ हिसाब का अभी तक जो है पोस्ट नहीं करे। हमारे को अकाउंट में इतने पैसे रिसीव ही बोल के नहीं बोले आप। हमारे पास कैश इतना या ऑनलाइन इतना है बोल के नहीं बोल रहे आप। हैदराबाद में जो है इसको लेके हलचल मची हुई है। आप लोग वहाँ एक ट्रांसपेरेंसी कहीं को नहीं दिखा रहे आपके काम में जो है। आप लोग वहाँ आपके और एक झूठ आ गया बीच में कि ये जो $500 दे के आप जो बंदे को, जो निडल मोहम्मद करके बंदा है, वो NGO चलाता ऑलरेडी वहाँ पर, उन्हें जो सेम खाना बांटता जो, लेकिन उसको आप लोग वहाँ है $500 दे के हमारे पोस्टर्स पकड़ के काम करो बोल के बोले गए थे। इसका भी प्रूफ आ गया सामने। एम्बेसी वाले जो है लेटर दे दिए फलस्तीन एम्बेसी के दिल्ली से कि हम लोग किसको भी चंदा कलेक्ट करो बोल के नहीं बोले। आप लोग इतने पैसे करोड़ ऑफ रुपीज जमा करके जो उसको कन्वर्ट कैसा कर रहे बोल के ये नहीं बोले आप लोग। आप लोगों पर खाली Day 1 Day 2 बोल के डाल रहे। आप लोग चार पैकेट डाल के हमारी टीम घर घर जाके काम कर रही बोल के बोले। तो आपकी टीम घर घर जाके काम कर रही है, आप दिखाए नहीं, खाली चार फोटो डाल दिए। ट्रांसपोर्ट तो लगा ही छूंगा ना आपको। और जो है आप लोग जो है वहाँ पर आपके इंस्टाग्राम पे जो है ये पोस्ट लिख के डाल रहे कि हमारे खिलाफ जो भी बोल रहे हैं उन सबसे हिसाब लिया जाएगा। ऑलरेडी जिसका हिसाब वहाँ पर चल रहा है उसकी मदद करने गए आप लोग। आप लोग ये पोस्ट डालने गए कि यहाँ पर जो हिसाब लिया जाएगा बोल के, और आप लोग पार्टी का नाम लेके डरा रहे हैं। आप लोग एक 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 जो बंदा है आप लोग कॉल करके पूछा तो उसको बोल रहे हैं आप लोग हम तेको मार देते, हमारे पास ये पार्टी का पावर है। पार्टी आपके अकेले की नहीं होती, सब पार्टी हम लोगों की भी है। पार्टी को हम भी वोट डालते बचपन से, हमारे खानदान वाले वोट डालते पार्टी को। अगर आपको काम करना है तो मुकरम अली सिद्दीकी के साथ कई काम नहीं करते आप। उन लोगों तो अपने जाति पैसे से काम करते, उन लोगों का काम दिख गया था। काम कर रहे तो अब्दुल रहमान के साथ करो आप। उन लोगों जो है उसको बोलते घर घर जाके राशन बांटना। मुकरम अली सिद्दीकी के ट्रांसपोर्ट देखिए आप लोगों जो है, उन लोगों के ट्रांसपोर्ट में कितने ट्रॉलीस लेके गए राशन बांटने के लिए। आप लोग वैसा काम क्यों नहीं कर रहे? आप लोग दिखा के कई काम नहीं कर रहे साहब। आपका सब ये क्वेश्चन इसीलिए है कि आप लोग जो है आपके पर्सनल पैसों से लेके आ रहे हैं, तो आप हम लोग आपसे क्वेश्चन नहीं करते। आप चंदा करें, आप करोड़ ऑफ रुपीज जमा करें। आपको कोई महाराष्ट्र से पैसे दिए, कोई दिल्ली से पैसे दिए, कोई राजस्थान से पैसे दिए, कोई कर्नाटक से पैसे दिए। आपको चंदा मिला, 30% चंदा मिला तो आपको सिर्फ HYC के नाम से मिला होगा। 70% ऑल ओवर इंडिया से जो MM के नाम पे चंदा मिला आपको। MM पार्टी के लोग MM वाले मदद करते बोल के आपको चंदा दिए। आप लोग जो है ट्रांसपेरेंसी पे काम नहीं कर रहे। पब्लिक को अभी तक धोखे में रखे हुए आप लोग। चार फोटो डाल के बोल रहे हम घर घर जाके राशन दे रहे। आप लोग देखिए इस पे गौर व फिक्र करिए, क्योंकि हैदराबाद में जो है इसको लेके बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। आपको अगर आप लोगों को हम लोगों को खामोश बिठाना है तो हैदराबाद के जो लोग हैं उन लोगों को खामोश बिठाना है तो आप लोगों को जो है ट्रांसपेरेंसी दिखाना पड़ेगा। आप लोगों को हिसाब देना पड़ेगा। हमारे इतने करोड़ है, हम इससे ऐसा ट्रांसफर कर रहे हैं, ये ट्रांसफर ना नामुमकिन है। लेकिन आप बताना कि आप लोग कैसा ट्रांसफर करके पैसे लेके जा रहे हैं वहां पर, कैसा विड्रॉ कर दे वहां पर, क्योंकि एम्बेसी वाला जो बोल दे रहा है कि हम किसी को परमिशन नहीं दिए। देखिए आप इस पर गौर फिक्र करिए। आप जो ट्रांसपेरेंसी में काम करिए, आप पब्लिक को धोखे में मत रखिए। ठीक है, मेरा यही सवाल था आपके लिए। आप मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपसे जो इस पर आप तवज्जो दीजिए और आपका एक स्टेटमेंट दीजिए और बैंक का स्टेटमेंट आप रिलीज करिए फौरी तौर पर। हमारे को इतने पैसे आए, हम लोग ऐसा ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा कन्वर्ट करने वाले हैं इसको, ये हिसाब से हम काम कर रहे हैं बोल के आप जो है आपका स्टेटमेंट डालिए। अस्सलाम वालेकुम।